वृंदावन कुंभ में पहुंची भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवा जडेजा ने नरोत्तम नगर में विश्व कल्याण को आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। कान्हा की नगरी में आकर वे अभिभूत दिखी। वृंदावन में पतित पावनी कालिंदी के तट पर आयोजित वैष्णव कुंभ मेला का साक्षी बनने के लिए भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवा जडेजा मंगलवार को वृंदावन पहुंची। यहां वे कुंभ स्थल पर बने नरोत्तम नगर के दिव्य पांडाल में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुई। उनके साथ यहां आईपीएस अधिकारी नवनीत सिकेरा की पत्नी पूजा सिकेरा ने विश्व कल्याण और शांति के लिए आयोजित श्री गोपाल महायज्ञ में आहुति दी। वहीं रेवा जडेजा ने हवन कुंड में आहुति प्रदान कर आगामी सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता की कामना की। साथ ही भगवान शंकर के विशाल 25 फीट ऊंचे 2.25 लाख रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। आध्यात्मिक पावन धरा पर आकर रेवा जडेजा पूरी तरह से भक्ति भाव में सराबोर दिखी। प्रथम बार वृंदावन आई रेवा जडेजा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि यहाँ के कण कण में श्री राधा और कृष्ण का वास है, वो इस अनुभव को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कुंभ में आई हैं, कैसी है, महसूस कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ द टीम और जहाँ की ये जो व्यवस्था है, मैं पहली बार आई हूँ वृंदावन और मुझे बहुत ही एक दिव्य अनुभूति होती है कि जहाँ यहाँ बाल कृष्ण और राधे जी का यहाँ सभी एक फील होती है कि एक दिव्य अनुभूति होती है कि यहाँ हर कण कण में कृष्ण है, हर कण कण में राधा है। तो बस वही अनुभूति और बहुत ही दिव्य अनुभूति है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट बहुत ही दिव्य अनुभूति। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गोपाल जी का, शास्त्री जी का और पूरी टीम का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कुंभ के पवित्र अवसर पर। थैंक यू।